वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ। आज मैं ये वीडियो में आपको बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है उसका मतलब समझाने वाला हूँ, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कौन सी फेमस कंपनी है जो आज बिलियन डॉलर कंपनी है बट उन्होंने बूटस्ट्रैपिंग से स्टार्ट किया था, ये सब मैं आपको पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बूटस्ट्रैपिंग का मतलब मैं आपको बताता हूँ। बूटस्ट्रैपिंग मतलब एक सिंपल लाइन में बताओ तो जो भी आपको स्टार्टअप के लिए फंड्स चाहिए वो आप इंडिपेंडेंटली अरेंज करते हो विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स जैसे कि एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट या कोई बैंक से लोन, ये सब कुछ भी लिए बगैर आप इंडिपेंडेंटली अगर फंड्स रेज करते हो तो उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। जनरली एक स्टार्टअप को स्टार्टिंग में फंड्स मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है क्योंकि सिर्फ आइडिया के बेसिस पे रेयरली कोई ऐसा फाउंडर होता है जिसको सिर्फ आइडिया के बेसिस पे ही फंड मिल जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है स्टार्टअप के लिए फंड्स लेना। तो ऐसे में बूटस्ट्रैपिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन कोई चूज नहीं करता, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी कंपनी की, फेसबुक, कोको कोला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब बिलियन डॉलर कंपनी है जिन्होंने स्टार्ट किया था बूटस्ट्रैपिंग से। तो आप भी ध्यान से देखना ये वीडियो को, इसमें मैं आपको पूरा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और किधर से आपको बूटस्ट्रैपिंग मिल सकती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ बूटस्ट्रैपिंग में आता है कि खुद की सेविंग्स, फ्रेंड से लिए हुए पैसे, फैमिली से लिए हुए पैसे, ये सब तो एकदम नॉर्मल होगा। बट इसमें अब दो कैटेगरी हो सकती है, शॉर्ट टर्म बूटस्ट्रैपिंग या लॉन्ग टर्म बूटस्ट्रैपिंग। शॉर्ट टर्म में ये सब आता है, फैमिली से पैसे ले लिए, फ्रेंड से ले लिए, या फिर समझो कोई अपना रिलेटिव से उससे पैसे ले लिए, मतलब सब विद इन से ही हो रहा है, कोई एक्सटर्नल सोर्स से पैसा नहीं आ रहा है। बट लॉन्ग टर्म बूटस्ट्रैपिंग में आता है कि समझो आपने एकदम छोटे अमाउंट से स्टार्ट तो कर लिया आपने ऑपरेशन को, बट उसमें जो प्रॉफिट होता है वो आप वापस अपने बिजनेस में लगाते हो, जो भी प्रॉफिट होता है वो आप उसको या फिर किधर बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हो और उसका अमाउंट आप पूरा अपने बिजनेस में ही लगाते हो, किधर बाहर स्पेंड नहीं करते। और सेकंड आता है लॉन्ग टर्म बूटस्ट्रैपिंग में कि को फाउंडर बूटस्ट्रैपिंग, ये बहुत नया फॉर्मेट आया है, ये इंडिया में अभी तक आया नहीं है, ये यूएस में चलता है। इसमें क्या होता है जनरली कि आपके पास समझो आइडिया है बट आपके पास कुछ भी फंडिंग नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, आपके कॉन्टेक्ट में कोई है ऐसा बहुत पैसे वाला है या बहुत अमीर है या आपका कोई फ्रेंड ही होगा, जनरली हर ग्रुप में ऐसा कोई फ्रेंड तो होता ही है जो बहुत पैसे वाला होता है बट जिंदगी में वो कुछ करता नहीं होता है क्योंकि अमीर बाप की औलाद रहता है। तो उसमें क्या होता है कि वो आप उसको अपना आइडिया बताते हो, उसको बोलते हो कि तेरे को सिर्फ फंडिंग देनी है, मैं तुझे को-फाउंडर बनाऊंगा, तेरे को बिजनेस में एक्टिवली पार्ट लेना भी जरूरी नहीं है, एक्टिविटीज भी मैं करूंगा, तू को-फाउंडर होगा, जो प्रॉफिट होगा वो शेयर होगा। इसमें उसका क्या फायदा होता है कि उसको उसके लिए एक बड़ी बात है कि वो एक को-फाउंडर हो गया अच्छे से कंपनी का, और आपके लिए क्या फायदा है कि आपको एक अच्छी खासी फंडिंग मिल गई वो भी आपके फ्रेंड से या आप जिसको पहचानते हो, तो ज्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। तो ये हो गया सोर्सेस ऑफ बूटस्ट्रैपिंग। अभी मैं इसके आपको एडवांटेजेस बताता हूँ। जनरली इसके एडवांटेजेस बहुत है बट जो मेन मेन एडवांटेजेस है वो है कि आपका इक्विटी एट अर्ली स्टेज किधर भी जाता नहीं है। अगर आप किधर बाहर से लेते हो फंडिंग तो आपको पैसे तो मिल जाते हैं बट इन रिटर्न आपका कंपनी का हाई लेवल ऑफ इक्विटी स्टार्टिंग में चला जाता है। बट बूटस्ट्रैपिंग में ऐसा नहीं है, आपके पास ही पूरा कंट्रोल है कंपनी का। सेकेंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप पूरे जो भी डिसीजन है आप खुद ले सकते हो, किससे भी इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, किसको भी पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई बड़ा लेवल का फंडिंग मिलता है तो आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ता है, उनका डिसीजन भी मैटर करता है आपके बिजनेस में। बट अभी आपने बूटस्ट्रैपिंग किया है तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं है, आप किससे इन्फ्लुएंस हुए भी कर ऑपरेशन अपने कर सकते हो। अभी इसके डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। डिसएडवांटेजेस भी बहुत है बूटस्ट्रैपिंग के। सबसे मेन डिसएडवांटेजेस है कि ये हर कोई कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब बहुत सारी आइडिया ऐसी होती है जिसको बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है और वो बड़ा कैपिटल कभी पॉसिबल ही नहीं होता। बूटस्ट्रैपिंग से लिमिटेड अमाउंट का अरेंजमेंट हो सकता है बट अगर ऐसा कोई आइडिया है जिसमें कैपिटल बहुत बड़ा चाहिए वो तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये बूटस्ट्रैपिंग काम नहीं करता जहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट बड़ी होती है। सेकेंड डिसएडवांटेजेस है कि बहुत लिमिटेड कैपिटल जमा होता है तो जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाता है। अगर अच्छे से आपके कंपनी में आपके पास अगर फंड है ऐसा फाउंडर तो आप फास्ट फास्ट अपना एक्टिविटी कर सकते हो, बट बूटस्ट्रैपिंग से जो कैपिटल मिलता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है तो आपको हर जगह पे 10 बार सोचना पड़ेगा। एक भी कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको, एक भी परचेसेस बड़ा ऑर्डर लेना है आपको, तो उसके पहले भी सोचना पड़ेगा कि वो ऑर्डर तो ले लूंगा बट डिलीवरी करने के लिए जो प्रोडक्ट मेरे को खरीदने पड़ेंगे उसके लिए मेरे पास फंड्स है कि नहीं। और
थर्ड और मेन डिसएडवांटेज है कि आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। बूटस्ट्रैप से जो पैसा मिलता है उससे आप एक्टिविटीज तो स्टार्ट कर सकते हो, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत से कस्टमर भी बना सकते हो, बट मार्केटिंग नहीं कर सकते। अभी आपका एक स्टार्टअप है, नया नया स्टार्टअप है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई स्टार्टअप ऐसा वायरल हो जाता है। अगर कोई इनोवेटिव एकदम ज्यादा अच्छा आइडिया होता है तो ही वायरल होता है, नहीं तो स्टार्टअप के बारे में बहुत मुश्किल होता है। विदाउट मार्केटिंग किसको पता चलना अपने कंपनी के बारे में? तो मार्केटिंग इनिशियल स्टेज पे बहुत हाई लेवल का मार्केटिंग करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को, सोशल मीडिया पे या टीवी एड्स में या इंटरनेट पे कहाँ पर भी। तो ये बूटस्ट्रैपिंग से जो पैसा मिला होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, मार्केटिंग करना इससे बहुत मुश्किल होती है। बट अगर देखने जाए फ्रेंड्स, तो स्टार्टिंग में आपको बूटस्ट्रैपिंग करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और जैसे मैंने आपको बताया, फेसबुक, कोको कोला, माइक्रोसॉफ्ट, इनफैक्ट डेल भी, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी उसकी पूरी कि कौन से कंपनी जो फेमस है, बिलियन डॉलर कंपनी है जिसने बूटस्ट्रैपिंग से स्टार्ट किया था। तो अगर फ्रेंड्स आपके पास कोई अच्छा आइडिया है बट आपके पास फंडिंग नहीं है तो हार मानने की कोई जरूरत नहीं। आप ये आपको लगता है कि आपका आइडिया बूटस्ट्रैपिंग के अमाउंट से भी स्टार्ट हो सकता है, तो आप इसमें बूटस्ट्रैपिंग अप्लाई करके एक स्टार्ट दे सकते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो से सीखने मिला, आपको पता चला एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बूटस्ट्रैपिंग के। तो कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो इसके रिलेटेड या और भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको रिप्लाई करके आपका जो डाउट है वो हेल्प कर दूंगा उसको सॉल्व करने में। और फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।